रविंद्रनाथ का लंगड़ी का, अब तो बाहर खड़ा है। बाबू मरी हुई सौत ये खड़ी आगे, दो शादियां हुई थी परिवार में, मरी खड़ी आगे, एक तो ये तुम्हारे काम नहीं बनने दी, नुकसान है बच्चे, ठीक है ना बाबू, चीजें नुकसान में है तुम्हारी। अच्छा हाँ जी, ओके, ध्यान से सुन ले, क्योंकि तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलती बात, तो तुम्हारे घर की एक एक चीज आएगी वो बताओगे, ठीक है। शक्ति भी है बाबू, नाग शक्ति भी तेरे घर में चल रही है, लंगूरिया चल रहा है, लेकिन तू सेवा कैसी लगाता है, पूजा कैसी देता है? पूजा नहीं करता, मानता हूँ, मन से मानता हूँ। मन से मान के क्या होगा, तब भी तेरे साथ खड़ा है, तेरे साथ तो तब भी लंगूरिया खड़ा है, हैं? बाकी कुछ आता नहीं है, बाहर बाकी कुछ आता नहीं है, कैसे पूजा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। बाबू तो नाम ले रहा है तो उसके लिए कुछ कर्म अनुसार भी तो करना पड़ेगा ना, तेरे साथ तो गदाधारी चल रहा है, जितना हो सकता है बाबू अच्छे से कर, ज्ञान के साथ कर, तो तेरे फायदे में चीज है। प्रयास तो वही कर रहा हूं, और सबसे सबसे पहले बाबू व्यवहार चेंज कर, समझ रहे है? तो तू भगती बनना चाहता, झूठ बोल रही तो बता, इच्छा उसके सिवा तुझे कुछ नहीं समझ में आता, अब बचा ही नहीं कुछ। हाँ, बनना तो भगती चाहता है ना, तो मेरी बात सुन रहा, तो घर परिवार को साथ लेके क्यों नहीं चलता? परिवार को साथ नहीं है, तेरी माई बैठी है ठीक, मुझसे नहीं कुछ छुपता, ये समझ ले तेरी माई की गद्दी है, जिसकी दिल से जिसे तू मानता है, और ये कलकत्ते वाली भद्रकाली की गद्दी है, दुर्गे भवानी की, यहाँ झूठ नहीं चलता, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ बाबू, तभी कह रही तू भगत है ना, तो भगत मेरी गोद में होते हैं बच्चे, ठीक है, और गलत होते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी करती, ठीक है, तो व्यवहार को चेंज कर, तेरे काम नहीं रुकने के, तू बता बाबू, एक बात बता, तू आया किस भाव से था? तुझे पता था तुझे तेरी माई मिलेगी, तुझे पता था तेरी माई गद्दी पे मिलेगी, तुझे नहीं पता था ना, तू भगत था, चाहे जिस भी रास्ते से खींच के लाई, तुझे आज लाई ना, तेरे साथ अष्ट भुजाओं में चल, व्यवहार चेंज कर बाबू, अपना अपने भगत अगर तुझे बनना है, और भगत वो होता है जो दूर से ही फरिश्ता बन के चमकता है, क्यों? क्योंकि वो सबको साथ लेके चलता है, और वो दूसरों के दुख ना अपना दुख समझता है, तो पहले कहां से सेवा तेरी शुरू होगी, अपने घर से, समझ रहे हो? ये तो अभी बैठी ना, उससे पहले मैंने तुझे बुलवा दिया, समझ रहे, इससे अभी बात नहीं की, पहले बात बोल, मैंने कहा बुला फिर, समझ नहीं बुला, तो तू सवारी को जानता है? नहीं ना, ये भी नहीं जानता, यहाँ बैठी कौन है? तेरी माँ ही बैठी है, हैं? तो फिर तू घरवाली की क्यों नहीं बात रखता? आप जानते हैं आपके सामने मेरी बात सुन, माँ का भी उतना ही सम्मान कर, बिल्कुल माँ से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन साथ में जिसको लाया उसका कौन करेगा, उसकी भी तो बात रखेगा ना, घर का मर्द वो होता है जो बीवी को और माँ को खुश रखे, ये ना कि माँ तो खुश हो गई बीवी रो रही है कोने पे, समझ रहे है? तो ये भी भक्ति नहीं है, और भगत अगर बनना है तो नियम सीख ले अच्छे से कान खोल के, क्योंकि गोद में तू मेरी है जिसकी तू सेवा कर रहा है, आदि शक्तियों मेरे बिना शिव भी नहीं चलते, और बता, समझ रहा है मेरी बात? मैं उससे आगे नहीं, वो मुझसे आगे नहीं, समझ रहे? गठबंधन है, क्यों अपने गठबंधन को खराब कर रहा है तू, हैं? सेवा कर रहा है, उसका भी मान सम्मान रख, उसमें कोई कमी है तो तू बता, कोई बात उसका, उसके भी मन में कोई बात ना है, ठीक है, तू भी उसका मान सम्मान रख, वो भी तेरा रखेगा, क्यों तुम्हारे
कमियां हैं मेरे अंदर। तू गुरूर में क्यों बोल रहा है? मेरे में कमियां है क्या? जो मैं सब मतलब ये मैं को हटा वरना ना भोले रहेगा ना लंगूरिया, यही खींच के रख लूंगी। समझ रहे है? भगत वो है जो पानी की तरह होता है, जहाँ जिसने प्यार से छलका छलकता चला गया तो पानी बन बाबू, ठीक है? इसकी आंख में ना आंसू आ जाए, ठीक है? अगर ये नाजायजी करती है तो बोल, अगर कोई ऐसी बात है। लेकिन ये नहीं, माई माई खुश है, बहू रो रही है तेरी, माँ को भी खुश रख, पहले माता पिता की सेवा। अगर खाली माई माँ रो रही है माँ को क्यों रुलाना, उसको भी। लेकिन जायज बात पे अगर माँ कह रही है कि भगा दे अपनी घरवाली को तब मैं खुश रहूंगी, तो फिर ऐसा भी अंधा भगत बेटा नहीं बनना। समझ रहे मेरी बात? माँ भी माँ के प्रकार की होनी चाहिए। मैं हूँ, सब बच्चों का देखती हूँ, मैं अकेले देखती हूँ कौन रो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन अच्छी बात कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अभी भी बैठ के दरबार में हाथ पकड़ के यहाँ ला सकती हूँ खींच के, एक मिनट में। तेरी माई जब दम पे है ये, तो माँ भी उस प्रकार की होनी चाहिए कि बेटा पूरा जीवन त्याग कर दे। और माई ऐसी है कि तू बहू को कुछ ना दे, मेरे पास रह, बहू को छोड़ दे, तो वो भी बेटा मां नहीं होती। वो मां नहीं होती। मां कौन होती है कि भाई तू अपने बीवी बच्चों को खुश रख। समझ रहे? वो होती है मां कि वो मुस्कुराए, घर की बेटी वही है। अब मां बोले ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, वो मां भी नहीं होती। अपनी बेटी की गलतियां भी तो हम छुपाते हैं ना, तो बहू की क्यों नहीं, बहू की गलती क्यों दिखती है ना बच्चों, ठीक है ना? तो माँ की सेवा भी कर, लेकिन फिर उसका भी मान रख, ठीक है बाबू? उसको भी उस तू पूरी भक्ति कर ले, साधनाओं में बैठ जा, तेरी साधना भी सफल होगी। अगर इसका आंसू गिरेगा इसका क्या माई का भी, तो दोनों को साथ लेके चल, ठीक है? अगर वो खुश है तेरे दो मीठे बोले बोलने से, तो तू क्यों नहीं बोल सकता? बता कैसा मांग रही है ये तुझसे? रुक जा, तू मत बोल, फिर वो सोचेगा उसने बोली है। अब सब जानते हैं, अभी मैंने अभी तो मेरी इससे बात ही नहीं हुई है, लेकिन तेरी माई बेटी हर बात जानती है। अगर तेरी घरवाली ये चाहती है कि मेरा पति मेरा मान सम्मान करे और दो मीठे बोल बोले दे, तो क्यों नहीं तू इसके सर पर पिता बन के हाथ फेर दे कि तूने ये काम किया, चल तू बहुत अच्छा कर रही है। इतना ही बोल के देख ले, तेरी घरवाली देख कैसे दौड़ लगाती है। और तुम तो कह रहे तो जो महिला बाबू जो औरत होती है ना घर की, वो तब थकती है जब वो उसका पति उसके सिर पे रिश्ते से थकती है। वो थकती कब है? जब उसका पति उसे नहीं देखता। तू बस दो मीठे बोले बोल दे कि तू बहुत अच्छा कर रही है, तू इस काम को ऐसे कर दे, और तू बहुत काम अच्छा कर रही है, तू अच्छे से करती है, इतना बोल दे, देख वो कैसे चलेगी। अब तू सोचेगा कि बस मैं इसको इसका मन फाड़ने के लिए बातें करूं, इससे मैं ढंग से बात ना करूं, मेरा मुंह उधर उसका मुंह उधर, तो ऐसे गृहस्थी नहीं चलती, और ना वो भगत होता है, और ना शक्ति की तू जोत जला रहे ना वो सफल होगी। पूजा सफल तभी है जब सब मुस्कुरा रहे हैं, और तू दो करू ला के बैठा और चला साधना करने, तो समझ ले पहले भी नहीं फेरे हो। ये सुबह से चालू हो जाती है शाम तक, तो शाम को जब आदमी सुबह दिन भर सुन के आ रहा है, शाम को कुछ ना कुछ जवाब मुझे तो दिख रहा है ना, कुछ ना कुछ जवाब मेरी बात सुन, मुझे दिख रहा है। बाकी तू सुन मेरी बात, कोई काम गलत कर रहा है तो बोल, ठीक है? जो कोई काम गलत कर रहा है तब बोल। मैं बोलती हूँ चले जाते थे, कुछ भी बोलती हूँ चले जाते, क्योंकि रिश्ता अगर खराब करके चलोगे तो कहीं नहीं मान सम्मान मिलने वाला। अब तेरा एक बार बता, तेरे पैर पे चोट है, कौन सेवा करता है तेरी? मैं नहीं करती, मैं नहीं पूछती, क्यों नहीं पूछती? क्योंकि ये आजकल ना बात करते हैं मेरे से, वो होटल में ही रहते हैं, होटल ही में रहते हैं, क्यों नहीं आते नाते चाय नहीं? तो घरवाली को छोड़ के क्या चाहता है? छोड़ के नहीं, खाने वाला में दुकान है यहां, चल वो तो उसका काम है ना, लेकिन बाबू प्यार से रहेगा नहीं रहेगा घरवाली? नहीं मां, ये ना मैं साफ बोल रही हूं, माता की तरह मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी सास है, मेरी सास ने बारी लगा रखी है, इनको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, बड़ी मुझे जेठाने उन्होंने बारी लगा रखी, वो उनके साथ गए परसों 22 तारीख को। ये क्या बोलते हैं, जब मेरी माँ वहाँ है ही तो मैं क्या करूँ अपने घर में आके? अच्छा, तो ये किसी की बेटी नहीं है? इसने खुद बोला मेरे को कई बार घर से निकलने के लिए, बोलते मैं पुलिस केस करूँ। एक बात बता, तू इन्हें तलाक देने के बोला, मैं तलाक, मेरी बात सुन, तू चुप रह, बोला मैं, तू इसका घर वाला है ना, अगर
बीवी ने कह दिया गुस्से में कि तू भाग जा, और तू इसे कहेगा कि तू छोड़ दे, दे छोड़ छोड़ दिया इसने तुझे। ये तो मूर्खों वाली बातें होती है। रिश्ता निभाना सीख लो। क्या हो रहा है तुम लोगों को बच्चे? क्यों नहीं रिश्ते निपटे तुमसे? उसने कहा छोड़ दे तो छोड़ दिया। अब माँ भी कहती कि भाग जा, मेरे पास मत आ। माँ को छोड़ते हो? नहीं ना छोड़ते। माँ भी तो कहती है ना कि तू न लायक है जाए यहाँ से, याद आ जाती है ना माँ की। तो जब माँ नहीं छोड़ती तो बीवी कैसे छोड़ेगी? मैं इसको बोलती हूँ जब तू नहीं संभालेगा इस रिश्ते को तो कौन संभालेगा? घर से ये आई है किसके भरोसे? तेरे भरोसे ना। अब तू इससे मुंह मोड़ के रहेगा तो कहाँ जाएगी? और तू इसको नहीं मान सम्मान देगी तो वो कहाँ जाएगा? तेरा तो पति है ना, तो तू कैसे? माँ मैं ये बोलती हूँ जो सवाल उनका बोलना अपने भाइयों के साथ माँ के साथ वो मेरे साथ होना चाहिए ना। मैं तब करूंगी, मैं सेवा तब नहीं करूंगी। तो फिर वो भुगतेगा भाई और माँ कब रहे सदा? आज कल उनका पाँव लगा किन पे बीतरी, मेरे पे बीतरी ना। बाबू सुन मेरी बात, सच्चाई यही है, माँ बाप की सेवा करो। लेकिन अगर घरवाली को लात मार के कर रहे हो तो तुम्हारी माँ बाप की सेवा समझ रही है ना? तेरी भक्ति काम आने के कुछ नहीं काम आने का। अगर जिस घर में बीवी रो रही है और तू माँ बाप को ही पूछ रहा है तो माँ बाप को भी पूछ, दोनों को मान सम्मान दे। तब जाके घर का मर्द कहलाता है इंसान कि वो है घर का। और बीवी रो रही है, माँ ही माँ को पूछ रहा है, और ये तो बीवी बीवी को पूछ रहा है, माँ को छोड़ रखा है, तो वो अभी ना फिर पूत नहीं है, कपूत ही है। समझ रहे हैं? ये नहीं कह रही कि तू भी सुधार कर, तू भी कर, समझ गई? तू भी अहम मत रह कि वो नहीं पूछ रहा तो मैं भी नहीं। पति है तेरा बाबू, ठीक है? तूने इसकी इज्जत करनी है, सेवा करनी है। इतना तक के बाद होगी कि बोलते तू व्रत क्यों रख रहा है? क्यों व्रत रखने में क्या दिक्कत है? मां बात तो इसलिए बोला मैंने इनको, मैंने कहा सोमवार का व्रत रखो, ये सावन का पूरा महीना का व्रत चल रहा है। इन्होंने अभी पांव तोड़ा, अब हमारा अभी घर में किसी का उतरी भरी हुई थी। ये तो पांव बाबू, ये संकट है जो मैंने कहा मरी हुई है, इसकी वजह से नुकसान। इससे व्रत का क्या लेना देना? मैंने बोला मेरी बात सुन, अगर तू उसे भक्ति करने से रोकेगी तो तू वैसे भी नहीं खुश रहेगी। सुन, मंदिर में दिया नहीं देना बोल के कभी। अभी हमारा देता नहीं पड़नी है। क्यों नहीं करेगा? पुराने ये सब चीजें, इन सब चीजों से इसे चिढ़े। तू उसकी भक्ति से अगर तू चिढ़ेगी ना तो तेरा रिश्ता वैसे भी नहीं टिकनेगा, क्योंकि वो भगत है। माँ भगत भी होना चाहिए। भगत तब होता माँ जब घर में जिस गुरु से ज्ञान दिया उसके पास दोबारा तक नहीं गई। क्यों? मैं हट होगी। उन्होंने का अपमान हमारे लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। कौन सा गुरु? जिससे भी ज्ञान ले लिया आदमी, गुरु का पद बहुत बड़ा होता है। उससे उसका अगर अपमान हो गया क्या फिर बचा क्या? शिक्षा क्या आती है? गुरु तो होता है, गुरु भगवान से पढ़कर फिर बचा क्या? मार्गदर्शन कौन करता है? तभी तेरे साथ ये सब हो रहा है। फिर बचा क्या? मां कैसे जाना था मंदिर में? हमारे घर में किसी की डिलीवरी होते नहीं। तू क्यों मां बन रही है उसकी? वो खुद अपने आप करेगा, भगत है, तेरे को नहीं देखेगा, वो मैं देख लूंगी। तू उसको भक्ति से नहीं रोक सकती। मैंने आते ही बोला वो भगत है, शक्ति उसके साथ चल रही है, हैं? और लेकिन बाबू जिस दिन मेरे व्रत होता है उसी दिन इसने घर में अंडे बनाए, मतलब जो कि चलो वैसे कभी भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात है, मैं कहा आज मेरा लास्ट है ये व्रत, आज सोमवार का चल रहा है, और मैं कहा मैं और उसी दिन अंडे लाए जो मैंने ये व्रत तोड़ा था उसी दिन घर में अंडे खिलाए। पति के गुस्से में तो तू ना अंडे तू बना देगी, लेकिन वो पाप तेरे सिर चढ़ेगा, उसके खाते में नहीं आएगा। उसको मैं समझा ही रही हूँ, अपने अंदर भी झांक और उसको भी देख। वो भगत है, तू भक्ता ही से मत रोक। वो तू गुरु के पास क्यों नहीं जाता? महीने में एक बार गुरु की हाजिरी जरूरी होती है। तेरा गुरु नहीं हो गया ये मूर्ख? इतनी दिमाग की बुद्धि नहीं है? मैंने हटा दिया जब से ही मेरे से लड़ाई करते, मैंने सब कुछ मैं माता रानी का नाम भी तो यही तो मूर्खता है ना, बिना ज्ञान के। बाबू मेरी बात सुन, वो भी दुखी है, तू उसके साथ प्यार से रह, चीज चलाना मेरा काम, ठीक है? और सुन मेरी बात, मैं 6 महीने तक कभी मंदिर में मैंने पति नहीं मारी। 6 महीने तो क्या देख लिया? स्वर्ग देख लिया, नरक देख लिया? देख लिया ना पति के साथ का रिश्ता?
यही तो गलती करते हो, पति से थोड़ी बात नहीं बनी कि सत्यो सत्यो के ऊपर क्या गुस्सा उतार रहे हो। नरक तुम भोगते हो और तूने भोग भी लिया, कितना भोगेगी बता। कभी शक्ति के साथ गुस्सा नहीं निकालना कि वो पूजा कर रहा है तो गुस्से में अंडे बना लिए। वो बाबू वो पाप तेरे सिर है। और एक गुरुओं की निंदा जिसने की वो सात पीढ़ी के साथ जन्म भी मुक्त नहीं होता। अगर हाँ तेरा गुरु गलत ज्ञान दे रहा है तो फिर वो गुरु भी नहीं, और तेरे गुरु के होते तो इतना अगर दुखी हो तो वो गुरु भी नहीं। और बता। नहीं वो दुखी नहीं हुए, ठीक है ना, वो नहीं तुम दुखी। अगर गुरु के होते तुम्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा तो फिर वो गुरु भी कैसा। अगर गुरु तुम्हें अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है उसके बाद तुम उनके कहने पे नहीं चल रहे तो बाबू तुम्हारा भी हरा बना। मैं तो उन्हीं के मुताबिक चल रहा हूँ। मैंने इसे ये भी बोला जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, मैं कहा आज के दिन जो बंदा गुरु के पास नहीं गया, गुरु पूर्णिमा तो क्या उसका आशीर्वाद माँ कुछ कारण ही होगा इसलिए जिस दिन मंदिर नहीं गए। बाबू मेरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तू समझदार है ना, माई की बात समझ रहा है, या तो तेरी जिंदगी बढ़नी है या तो फिर तुम्हें नरक ही देखना है, ठीक है। लेकिन तू बच्चा मेरा है तो तू अपनी माई की बात सुनेगा ना। तू भगत है ना, मान सम्मान करने वाला, तू भगत है, ठीक है। तू अपनी भक्ति कर, ठीक है बाबू, और तू इसकी भक्ति में बांधा मत बन। सुन रुक जा, सुन मेरी बात सुन, कान खोल के जब चार बात उसे सुनाई है तो तू भी सीधी हो जा। एक तो तू उसकी भक्ति में बांधा कभी नहीं बनेगी। अब खुद भी ज्योत जला, घर की लक्ष्मी का ज्योत जलाना सबसे अहम होता है। उसका साथ दे, अगर उसका बढ़ते तो तू पहली तैयारी रख कि मेरे पति ने आज ये सेवा करनी है तो मंदिर को सजा के रखना तेरा कर्तव्य है। ये नहीं कि उसका पड़ता आएगा अपने आप करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका फल ना तुझे मिलेगा और जो तू कमाएगी उसका फल उसे मिलेगा, समझ रही है। और बाबू देख, भक्ति भी कर, पहले ग्रस्त जीवन, उसकी आंखों में आंसू तेरे। अगर वो प्रेम चाहती तो उसे प्रेम कर, यही चाहती है, वो कुछ नहीं चाह रही, समझ रहा है। और तू इसको ठुकरा के गुरु के पास भी जाएगा ना तो तू तब भी तेरी रास्ता नहीं बनने का। क्यों? क्योंकि ये तो रो रही है, कहाँ से इसका पोसा पीटा लगेगा, तेरी पूजा भी सफल होगी। आज से सुन मेरी बात, अब तक तूने जो किया या तूने जो किया सब यही खत्म करके जाओ, ठीक है। आज से तू इसके साथ प्यार से चल, अगर बात मान ली बाबू कब नाम लेके घर में मैं तुझे मिलूंगी। सपनों में भी कभी नहीं करेगी वो, करेगी तेरे कहने से। छह महीने में सारी बात अब करेगी, अब करेगी। तू शांत रहेगा, अपना अहम को पहले अंदर रख। तू करेगी या नहीं करेगी अपनी बात? करती हूँ, तू अब करेगी? तू कितना करती है मुझे पता, अब पता, अब करेगी? सुन लिया भाई, करेगी नहीं करेगी यहाँ पहुंची दरबार अपने आप लट माँ मेरा खुद माता आती है, विश्वास नहीं करते वो। मैं अपने आप बातें देख लूंगी, अभी जितना कह रही हूँ उतना कर, ठीक है ना। वो कोई नहीं होता विश्वास दिलाने वाली, जब शक्ति होती है ना, शक्ति शक्ति अपने आप खुद विश्वास दिलाएगी, समझ रही है तू। और जब शक्ति है तो तू क्यों जो तो नहीं सेवा दे रही? जिसमें शक्ति होती है वो बिना पूजा के तो रह ही नहीं सकता, चाहे दुनिया सा उलट से पुलट हो जाए। और उसमें बाबू शक्तियों के साथ पैर है उसका, समझ रही है। अगर शक्तियाँ कुछ रहेंगी तो तेरे पति कृपा करेंगे। अगर तू शक्तियों को रुष्टता में लाएगी तो तेरा रिश्ता कहाँ से बन जाएगा, समझ रही है। तो जोत जला 11 रुपये की अर्घा, ठीक है, और मेरे नाम की सरसों के दीपक जला कर, ठीक है। अगर ये शिव की पूजा करता है तो साथ में शिवलिंग में दोनों पानी दिया कर, तुम्हारा प्रेम बना रहेगा, ठीक है। और बाबू मंगल शनिवार दूध दूधी के लड्डू दिया कर, ठीक है। तूने अभी तक चोला नहीं दिया बाबू लंबू के, तो कहाँ से बाबू फल मिलेगा? बाबू तेरा काम कहाँ से? अगर तू चाहता है कि मेरा काम ऊंचाइयों पर चले तो बाबू भोग देना शुरू करो, ठीक है। लंगूरियों को बाबू एक तो चमेली का तेल और सिंदूर मिला के ना उनको मल के, मंगलवार के दिन पहले तो पैरों से ऊपर तक ना भी तक पूरा उस पर रंग चढ़ाओ किसी भी लंगूरिये के मंदिर में, ठीक है। पहले पैरों से करियो ना भी तक रंग लगा के, फिर ऊपर से नीचे बांधो, ठीक है। और लंगूरिये के नाम का 2 सुपारी और 1 बापू झंडा ध्वज ये चढ़ा कि तेरा कष्ट जो है क्रोध जो ही हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाबू कृपा है लेकिन तुम्हें चलाना कुछ नहीं आता, इसे फिक्र ना, भगत की हार नहीं होती, ठीक है।
कह रही है कि मेरे साथ प्यार से बोल, ये काम कर ले तो उसकी बात मान ले, ठीक है? वो भी कहाँ जाएगी, घर वाला तो तू है ना, तू ही तो इसका घर वाला है ना, तू ही नहीं से कुछ रखेगा तो कौन रखेगा? अब ससुराल में बेटी जो है बहू, वो तो अकेली है ना भाई। अब तू तो इससे लड़के अपनी माँ के पास बैठ जाएगा, रिश्तेदार के पास बैठ जाएगा, ये किसके पास बैठेगा? तो इस चीज का तू ध्यान रख ले, बाकी तेरी आगे तरक्की है, ठीक है ना? तेरा काम भी अच्छा चलेगा तो फिक्र ना कर, ठीक है? और बाबू गुरु है, उसका मान सम्मान करना है, ठीक है? अगर गुरु बना रहा है, अगर गुरु रास्ता नहीं दे रहा तब तो गुरु का करो त्याग, और गुरु रास्ता दे रहा है, गुरु से जुड़ने के बाद 1-1.5 साल के अंदर गुरु की शक्ति पता चल जाती है, जब इंसान तरक्की पे होता है। अगर गुरु बनने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो समझो तुम्हारे गुरु में शक्ति ही नहीं, ठीक है ना? तो ये चीज करो बाबू, ठीक है बाबू? हार नहीं मान, ठीक है? और बाबू प्यार से चल इसके साथ, ठीक है? प्यार से हाथ फेर दिया कर, क्या होता है? अपने अहमों को अंदर रख लो, त्याग कर दो, तब जाके भगत बनता है इंसान। जो जितना झुकता है, सब जानता है ना कि जितना फल लगती है डाली में उतना वो झुकता है, समझ रहा? समझ गया आज इस बात को तेरी माई ने क्या कहा, है ना?